सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते पिछले 10 महीने से रास्ते बंद पड़े हैं। बंद रास्तों को खुलवाने के लिए किसान और व्यापारियों ने सीएम मनोहर लाल से दिल्ली में मुलाकात की और बंद रास्तों को खुलवाने को लेकर गुहार लगाई। हरियाणा में बीते 10 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, वहीं सरकार भी अपने फैसले पर कायम है। लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन से अब हरियाणा के व्यापारी तंग आ चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि रास्ते बंद होने से उनका काम धंधा ठप हो गया है, या तो रास्ते खुले या तो कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए। इसी के चलते सिंघू बॉर्डर से आए प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है और बंद रास्ते खुलवाने की अपील की। बिल्कुल, ये सभी के लिए परेशानी का विषय है। हमारे साथ साथ कई राज्यों की समस्या है इसमें। अब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सभी वहाँ से वाहन गुजरते हैं और वो किसानों के भी रहते हैं, व्यापारियों के भी, वो अन्य अन्य सभी की एक समस्या है ये कि इसका कुछ ना कुछ तो समाधान होना चाहिए। और ये एक लंबा समय हो गया है कि ये दो हफ्ते या महीने की बात तो नहीं रही है, साल भर होने वाला है और इसका कोई ना कोई सकारात्मक समाधान निकलना चाहिए। मार्ग बंद है, छोटे छोटे रास्ते जिनसे सब्जी के किसान जो अपनी सब्जियां लेके जाते हैं वो तीन तीन चार चार घंटे रास्तों में खड़े रहते, इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है, तो उसमें सब्जियां जो है ख़राब हो जाती हैं और वो सही समय पे मार्केट में पहुंच नहीं पाती है, जिससे उनका रेट नहीं मिलता है। ये बड़ी समस्या वहाँ के किसानों को आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई जारी रखी है और अब किसानों को पार्टी बनाते हुए 4 तारीख को किसान संगठनों को अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। मुख्य समस्या तो जो रास्ता है सिंघू बॉर्डर का, उसको खोलने के लिए उनकी ओर से डिमांड थी। इसका जैसे आपको पता है कि सर्वदूर इसकी मांग है कि रास्ते खोले जाएं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। पिछली 4 तारीख को उन्होंने बुलाया था, हरियाणा सरकार को भी बुलाया था, संबंधित पक्षों में किसानों के प्रतिनिधियों को उस समय नहीं बुलाया था। बाद में उन्होंने 4 तारीख को कहा है कि अब किसानों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए, तो उनको सबको भी 43 लोगों को पार्टी बनाया है और उनको भी नोटिस जारी हुए हैं, तो अगली 20 तारीख वहाँ लगी है उनको वहाँ बुला करके, और यह सारा रास्ते का मुझे लगता है कि जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। गृह सचिव के नेतृत्व में कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें किसान नहीं आए थे, उसे लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। होम सेक्रेटरी के नेतृत्व के देखरेख में एक कमेटी बनाई थी, उसमें पहले किसानों को बुलाया था, उनके प्रतिनिधि आए नहीं थे क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पार्टी नहीं बनाया है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि उनको सबको हाजिर करेंगे, उनको सबको नोटिस जाएंगे होम डिपार्टमेंट की ओर से और सभी को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बुलाने के लिए कहा है, तो निश्चित रूप से वो आएंगे तो उन्हें समाधान निकलेगा ही। लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन में कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन हल अभी तक नहीं निकला है। अब परेशान होकर किसानों ने और व्यापारियों ने सीएम मनोहर लाल से गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले का हल कब तक निकल पाता है। हरियाणा में धान की खरीद तो शुरू हो गई है लेकिन अभी भी किसानों को धान बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पलवल और रोहतक में किसानों ने मार्केट कमेटी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जब किसानों ने फसल की खरीद शुरू ना होने के चलते विधायकों के घरों के घेराव करने की चेतावनी सरकार को दी तो सरकार ने तुरंत फैसला बदला और फसल खरीदने के आदेश दे दिए। सरकार तो फसल खरीदने के आदेश दे चुकी है लेकिन मंडियों में अभी तक सरकारी एजेंसियां खरीद करने के लिए नहीं आ रही, और ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है भारतीय किसान यूनियन का। इसके चलते किसानों ने रोहतक अनाज मंडी में स्थित मार्केट कमेटी के कार्यालय पर धरना दे दिया। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही बाजरे और धान की फसल खरीदने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू नहीं की तो एक बड़ा आंदोलन होगा। हम कई दिन तो चेता रहे थे प्रशासन को, रमनन देसा भी था, अगर सरकार कह रही है MSP थी सह रहेगी, आज हमें तो MSP दिखाई नहीं दे रही, मंडी में घूम भी लिए, देख के भी है, किसान रोता भी है, भाई MSP कड़े है 1200, 1100, 1800, 900 रुपये कुंटल बाजरा बिके है। इनने MSP पर हमने चर्चा करी थी, नाट गया, अंदेशा है अग भाई आगे गेहूँ की भी माटी नहीं पीटेंगे, हर एक फसल के नहीं पीटेंगे, इसका ताला लगेगा, प्राइवेट
वाला बाजरा कर दिया, तरक गेहूं आना कर दें, सब क्या प्राइवेट करेंगे। किसानों का कहना है कि खरीद के मामले में सरकार वादा खिलाफी कर रही है। कोई भी सरकारी एजेंसी बाजरे और धान की फसल खरीदने के लिए मंडी में नहीं पहुंच रही। जो भी खरीदारी हो रखी है वो प्राइवेट लोग कर रहे हैं और मनमाने ढंग से दाम दे रखे हैं। सरकार जो है ठीक नहीं कह रही, गुमराह कर रही है, झूठ बोलती है। परसों हमारी डीसी साहब से भी बात हुई थी, कल एसडीएम साहब से भी हुई, उन्होंने कहा खरीद तो शुरू हो रही है। परसों हमने पूछी मंगा जी सरकार की जो बाजरे की धान की खरीद है इसके ऑर्डर करो, खरीद शुरू हो। उन्होंने कहा ऑर्डर कर रखे, खरीद तो शुरू हो रही। खरीद शुरू नहीं हो रही, जो फेड एजेंसी है सरकार की वो नियुक्त कर रखी है कि वो बाजरा खरीदेगी, वो तो अब तक आई नहीं है ना, उसका तो उन्होंने खरीदा नहीं, इसको कैसे खरीद मानेंगे। जो प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं, आड़ती खरीद रहे हैं, को एजेंसी वाला दूसरा प्राइवेट खरीद रहा है, बाजरा बोलिया इन खरीदार नहीं है, सरकार पीछे हट रही है। सरकार बिल्कुल वादा खिलाफी कर रही है और किसानों को जो है ना मजबूर कर रही है कर्जे में डबोने के लिए। बहरहाल किसानों ने साफ कर दिया है कि यदि जल्द ही सरकार ने फसल खरीदने के लिए व्यवस्थाएं अच्छी नहीं की तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि शासन और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। सोनीपत पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर आज अपने काम के लिए बेहद मशहूर हो रहे हैं। सोनीपत में चारों तरफ उनकी सराहना की जा रही है। हरियाणा पुलिस आए दिन सुर्खियों में रहती है, लेकिन सोनीपत पुलिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर अपने किए गए कामों से मशहूर हो गए हैं। काम भी ऐसा कि बेसहारा लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं। दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर लोगों की सेवा करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। कमजोर बेसहारा 83 लोगों को आश्रम में पहुंचाया है तो 12 लोगों को उनके परिवार से मिलवा भी चुके हैं। कहते हैं कि पहली गुरु माँ होती है और ये कहावत सब इंस्पेक्टर जगत सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इस सेवा भाव की प्रेरणा उन्हें किसी और से नहीं बल्कि उनके माँ से मिली है। 2008 में उन्होंने ये काम शुरू किया था और उसके बाद अपनी सैलरी से ही इस काम को अभी तक चला रहे हैं। इनका मेरा मन में निस्वार्थ सेवा भाव ही है। ये इंसान, इनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, रोडों पर पड़े रहते हैं, तो इनको उठाकर हम जब आश्रम भेजते हैं तो वो वहाँ कुछ ठीक होकर भी वापस आए हैं घरों में। तो दो तीन जो हमारे पास फोन आए ना, जब मेरा जुनून बनया कि थोड़ी ही हमारी सेवा के कारण इतना बड़ा खुशी होती है, तो इसलिए मैंने जब इसे शुरू किया। सब इंस्पेक्टर जगत सिंह का कहना है कि उनकी माँ ने मरने से पहले पूरे शरीर को दान कर दिया था और उसी के बाद उनके मन में आया कि क्यों ना बेसहारा लोगों की सेवा कर ली जाए। अब सब इंस्पेक्टर आश्रम में खुद जाकर बुजुर्गों की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि माँ की बात से भावुक होकर मेरे मन में लोगों की सेवा का भाव आया। सब इंस्पेक्टर अपनी सैलरी से ही सारा खर्च उठाते हैं। हमारे अंग दान शरीर दान का वो करा तो वो बोली मेरे मरने के बाद में मेरा शरीर दान करना, उनकी इस बात से मेरा इतना भावुक हो गया तो मैंने पूरे परिवार का शरीर दान कराया। तब से मैं इस सेवा में जुनू, हमारी माता जी से पति हुई, वो बोली बेटा जितनी कुछ सेवा हो जाओ उतनी करो, बोला मन ने नहीं पता था, नहीं बुजुर्ग हो जाऊंगी खाट में बैठ जाऊंगी, तो उस जुनून देने वाली हमारी माता जी है ये सेवा का। सब इंस्पेक्टर जगत सिंह ने अपनी माँ से प्रेरणा लेकर बेसहारा लोगों के लिए सहारा बने हैं और आज के युवाओं के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। फरीदाबाद भारत कॉलोनी की रहने वाली 35 वर्षीय दिव्यांग ममता देवी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन रही है। अपने पति की मौत के बाद ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति की शारीरिक अक्षमता या दिव्यांगता को उसकी उन्नति के मार्ग में रुकावट समझने की भूल कर बैठते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जरा ये तस्वीरें देखिए। इसका एक साकार उदाहरण है फरीदाबाद की 35 वर्षीय महिला ई रिक्शा ड्राइवर ममता देवी, एक दिव्यांग महिला जो ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। ममता उन महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आई है जो अपने आप को परेशानियों के सामने अकेला पाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। ममता ने न केवल परेशानियों का सामना किया बल्कि उन परेशानियों पर जीत भी हासिल की। ये हो गया कि 7 महीना हो गए, घर वाला खत्म हो गए, इसी वजह से लग में चला रहे बाल बच्चे पालने के लिए।
पहले सीखे थे, पहले कंपनी में काम करे थे, उसके बाद में मोटापा से मतलब दूसरे बार छोड़ दिए, तो ना लिए कोई तो गाड़ी अपना चलाने के शुरू कर दी। भैया मेरा यही है कि मतलब खाने पीने के दिक्कत परेशानी आए, बाल बच्चा पालने के, अब लड़की बड़ी हो गए, इस वजह से भाई शादी ब्याह करना है। छोटा छोटा लड़का है, 5 साल के, 1 4 साल के, 1 9 साल के, लड़की 17 साल के। ममता को ई रिक्शा सिखाने वाले उसके पड़ोसी ने बताया कि पति के मरने के बाद ममता के घर में आर्थिक हालात काफी खराब हो गए थे। ऐसे में समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से उनकी मदद की जाए, लेकिन दिमाग से सोचा कि क्यों ना इनको ई रिक्शा चलाना सिखाया जाए ताकि अपने घर की आजीविका चला सके। और ये मतलब परेशान थे, इसके उनके आदमी विकलांग थे, पहले बड़ी गाड़ी चला करे बॉम्बे पुणे महाराष्ट्र, तो उनके पैर की नस ब्लॉक हो गई और विकलांग होते उनने ये गाड़ी बैटरी वाला रिक्शा निकाला। तो जब ये घर पर रहती थी गाय, तो अब उन्हें 3 साल चलाया, 3 साल के बाद ये बेचारे ख़त्म हो गए, 3 साल बाद कोविड में ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद फिर इनके ये बोली कि अब इन्हें कंपनी में नौकरी नहीं मिली, तो कोई भी उस समय कोविड में बहुत महामारी चल रही थी, नौकरी नहीं मिली। अब इन्हें मेरे ये बोली मेरे को गाड़ी सिखा दो, मैं भी पहले बड़ी गाड़ी चलाता था, मैंने गाड़ी चलाई, इनको गाड़ी सिखाई। इस महिला का ये जज्बा वाकई सराहनीय है। परेशानियों में खुद को अकेला न पाकर डट कर उसका सामना करना ही हर व्यक्ति को उसकी परेशानी से निजात दिला सकता है, न कि परेशानियों से दूर जाना। इलाहाबाद उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल टिकट कटने से नाराज नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में आए पवन बेनीवाल को टिकट दी है, जिससे उनके पूर्व प्रत्याशी रह चुके भरत बेनीवाल नाराज हो गए। भरत को टिकट ना मिलने से उनके समर्थक भी मायूस नजर आए। तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने अपना नामांकन भरा, जहां भरत बेनीवाल ने ना पहुंचकर अपनी नाराजगी का नमूना भी दिखा दिया। गौरतलब है कि भरत सिंह बेनीवाल ने भी कांग्रेस से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन हाईकमान की तरफ से टिकट पवन बेनीवाल को दे दिया गया, जिससे भरत सिंह बेनीवाल नाराज हो गए और उन्होंने अपने समर्थकों की एक बैठक अपने निवास पर बुलाई और नामांकन से दूरी बना ली। भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि वो प्रचार के लिए अभी नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता भरत सिंह बेनीवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मेरी चौथी बार टिकट कटी है, जिससे उनके समर्थक निराश हैं। भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि इस चुनाव में पवन बेनीवाल को कौन वोट देगा। पवन बेनीवाल ने पहले इनेलो और बीजेपी में रहकर लोगों पर जुल्म किया है। मेरी चौथी बार टिकट कटी है, चौथी बारी में पार्टी जीरो ही है, चौथी बारी होने लग रही है जीरो। अब इन्हें वोट कौन देगा, कौन ने अब पवन मान ले 50 साल हो गए लोगों ने ढूंढ कूटता ने इनोलम रह गया, लोगों ने जुलम दास्तियाँ करी है, फिर बीजेपी में लेके करी है, मारसा करी है, मेरे क्या मैं वोट दे कि मेरे को। तो वहीं भरत सिंह बेनीवाल की नाराजगी को लेकर अब हरियाणा कांग्रेस ने कहा है कि इलाहाबाद उपचुनाव में टिकट का फैसला आलाकमान का है, जो रूठे हैं उन्हें मना लेंगे। नाराजगी स्वाभाविक होती है जब किसी पद की आदमी अपेक्षा करता है या किसी भी स्थान की और नहीं मिलता है, तो अस्थाई रूप से नाराजगी स्वाभाविक है, क्षणिक होती है। वो उसको हम लोग उस मसले से भी हम उससे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि पवन जी और यहाँ का जो कांग्रेस परिवार है और हमारे जो नेता हैं दोनों यहाँ पर हैं, ये उसे सुलझवाएंगे और वो हमारे प्रत्याशी के साथ। बहरहाल भरत सिंह बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। इस मुद्दे पर वो अपने परिवार और समर्थकों से राय कर आगामी फैसला लेंगे। फरीदाबाद में पॉल्यूशन का ग्राफ फिर बढ़ने लगा है। शहर में फॉग की चादर बिछ गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में अलग अलग जगहों पर पॉल्यूशन का ग्राफ अचानक बढ़ गया है। बात करें हरियाणा के फरीदाबाद जिले की, तो एक बार फिर से शहर में पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ने लगा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि शहर भर में प्रदूषण से धुआं धुआं हो गया है। हालात कुछ ऐसे हैं कि शहर में प्रदूषण तय मानक से अधिक हो गया है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब शहर वासियों की सांस वायु प्रदूषण से फुल है। हालांकि इस पर काबू पाने के लिए कई उपाय किए गए, लेकिन अभी तक प्रदूषण का ग्राफ नहीं लाया जा सका है। फरीदाबाद में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तीन जोन में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन ग्राफ बल्लभगढ़ से सामने आया है। बल्लभगढ़ में पॉल्यूशन का माप अंक 313 के पार चला गया। दूसरे जोन में सेक्टर 30 का पॉल्यूशन ग्राफ 207 पाया गया। सेक्टर 16 में पॉल्यूशन ग्राफ 198 पर दर्ज किया गया। तो वहीं सेक्टर 11 में भी पॉल्यूशन का माप अंक 274 पाया गया। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और दिवाली से पहले ही फरीदाबाद में पॉल्यूशन का असर देखने को मिल रहा है। वहीं शहरों में मौसम के बदलाव के साथ साथ वायरल डेंगू मलेरिया का भी खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। उधर वायु प्रदूषण से अस्थमा, दिल के मरीज, लिवर से ग्रसित मरीजों को परेशानी बढ़ सकती है, जो लोगों की चिंता और बढ़ा रहा है। वायु प्रदूषण का बढ़ना लोगों की सेहत के लिए भी काफी घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में त्योहारी सीजन में लोगों को भी समझने की जरूरत है कि वे पॉल्यूशन को बढ़ावा देने जैसे कोई काम ना करें। करनाल का नागरिक अस्पताल कायाकल्प मूल्यांकन में नंबर 1 बना है। प्रदेश में कायाकल्प मूल्यांकन में नंबर 1 पर आने के बाद यहां के स्टाफ में खुशी का माहौल है। सफाई से लेकर मरीजों और उनके साथ आने वाले तीमारदारों को दी जाने वाली सुविधा और अन्य व्यवस्था को लेकर करनाल का नागरिक अस्पताल प्रदेश भर में प्रथम आया है, जिसके चलते अस्पताल को 50 लाख रुपए का इनाम मिला है। प्रथम अवार्ड मिलने के बाद हॉस्पिटल स्टाफ में खुशी का माहौल है और लड्डू खिलाकर सबका मुंह मीठा किया गया। दरअसल केंद्र सरकार की एक स्कीम है कायाकल्प मूल्यांकन, जिसके तहत राज्य सरकार की तरफ से टीमें भेजी जाती हैं और वो पूरे प्रदेश के अलग अलग नागरिक अस्पताल में जाकर मूल्यांकन करती हैं। रिपोर्ट के आधार पर प्रथम अवार्ड दिया जाता है, जो करनाल के नागरिक अस्पताल को मिला है। तो ये बड़ी खुशी हो रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो प्रोग्राम कायाकल्प का प्रोग्राम चलाया जाता है, उसके प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल करनाल सारे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। और इस प्रथम स्थान को प्राप्त करने के लिए इस अस्पताल को 50 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। यह राशि अस्पताल की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने में खर्च की जाएगी और हमें इस स्थान तक पहुंचने में, अस्पताल को प्रथम स्थान प्राप्त करने में सारे जो हमारी टीम है, जो हमारे सारे कर्मचारी हैं, सारे अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत और इसका परिचय दिया है। करनाल में अलग अलग समय में आकर यहां पर दो टीमों ने सर्वे किया था और इस दौरान ये नागरिक अस्पताल तमाम सुविधाओं से लैस मिला, जिसके चलते अस्पताल को प्रथम अवार्ड मिला है। बहुत हर्ष का विषय है ये। इसमें हमारे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेहनत से कार्य किया। जो ये कायाकल्प है, इसमें चेक पॉइंट्स के आधार पर ही हमें नंबर दिए जाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि टीम आई और चक्कर लगा के कि हाँ जी हमें अच्छा सत्कार किया गया और उसके बेस पे, सब चेक पॉइंट्स के बेस पे नंबर मिलते हैं। और हमारा ये पीएमओ सर की अगुवाई में बहुत अच्छा स्टाफ ने कार्य किया, जो आज हम पूरी स्टेट में फर्स्ट नंबर पर आए हैं कायाकल्प में। करनाल नागरिक अस्पताल में आम जनता के लिए तमाम सुविधाएं हैं, जिसके चलते प्रदेश के अंदर कायाकल्प मूल्यांकन के अंदर नागरिक अस्पताल ने पहला स्थान हासिल किया है, जो कि करनाल के नागरिक अस्पताल के स्टाफ और यहां की जनता के लिए गर्व की बात है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता एक बार फिर परेशान नजर आ रही है। महंगाई की मार से आमजन त्रस्त हो गया है। रोजाना बढ़ती महंगाई ने आमजन की मानो कमर तोड़ दी है।
रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने से लोग परेशान थे। आखिर महंगाई के इस दौर में कैसे गुजर बसर किया जाए। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। हालात कुछ ऐसे हैं कि दामों में मानो आग लग गई है। कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल के दामों ने शतक पार कर लिया है। बात राजधानी दिल्ली की करें, दिल्ली में पेट्रोल में 30 पैसे की बढ़ोतरी एक बार फिर हुई। डीजल के दाम में 35 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रमुख शहरों के पेट्रोल डीजल के दाम की अगर बात करें, दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 84 पैसे, डीजल 92 रुपए 47 पैसे, मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 83 पैसे, डीजल 100 रुपए 29 पैसे, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 23 पैसे, डीजल 95 रुपए 58 पैसे, चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 27 पैसे और डीजल के दाम 96 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। देखिए, ये पेट्रोल डीजल का रेट एक रीजनेबल होना चाहिए, कम से कम आम आदमी के जेब पर इतना नहीं हो भारी होना चाहिए कि वो उसको परेशान कर सके, और परेशान कर रहा है। इस पर हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अपने टैक्सेस कम करने चाहिए, और इतना रहे कि कम से कम 70 रहे 75 रहे 80 रहे आदमी अफोर्ड कर सके, 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पेट्रोल डीजल के रोजाना बढ़ते दाम लोगों की चिंता का सबब बन गए हैं। कितना भी कमाइए, महंगाई इतनी के पैसे बचा नहीं सकते। हफ्ते भर में महीने का बजट खत्म हो रहा है। बढ़ रहे दामों को लेकर आमजन की क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। पेट्रोल बढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये लगातार पीछे भी कई दिनों बढ़ता रहा है और अब दोबारा से बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या है कि हम तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सैलरी तो लिमिटेड है, और ये पेट्रोल डीजल के बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है। सब्जी रोटी ग्रोसरी सब कुछ ही बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को कम से कम कोरोना के टाइम में जो ये एपिडेमिक रहा है, इसमें कम से कम पेट्रोल और डीजल तो नहीं बढ़ाना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत और बात है, लेकिन पेट्रोल डीजल बढ़ने से बहुत असर पड़ता है। सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं और आदमी की जो रूटीन की लाइफ है उसमें फर्क पड़ता ही है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों पर लोगों की नाराजगी सामने आना लाजमी है, क्योंकि अगर इसी तरह से पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज बढ़ते रहे तो एक दिन पेट्रोल डीजल लोगों की पहुंच से बहुत दूर चला जाएगा। फरीदाबाद में एक भाई को अपनी बहन के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। बदमाशों ने भाई की बेरहमी से पिटाई की, साथ ही लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। तस्वीरों में नजर आ रहे इस युवक की हालत गंभीर है। इस युवक का महज गुनाह इतना था कि इसने अपनी बहन के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया। कुछ बदमाश काफी समय से इसकी बहन को परेशान कर रहे थे। जैसे ही इस युवक को पता चला तो वो बदमाशों को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बदमाश कुछ समझने के बजाय पीड़िता की ही भाई की पिटाई करने लगे। युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, यहाँ तक कि कुछ नकदी भी उससे छीन ली गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन डर की वजह से पीड़िता के भाई ने पुलिस के सामने चुप्पी साधे रखी। 4-5 लड़के थे तो मुझे घेर लिया था। मैंने अपने भाई के पास फोन किया कि ऐसे भाई लड़के परेशान कर रहे, मेरा भाई आया, मेरे भाई को देख के सही वो चले गए, भाग गए। तो मेरे भाई से कहे थे तुझे हम देख लेंगे बाद में। हालांकि परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल करवाया है। साथ ही पीड़ित ने बदमाशों से अपनी जान का खतरा भी बताया है। तो मैं सामान लेने गया, किसी ने खबर कर दी कि यहाँ पे वो आया है, तो इसने मुझे घेर लिया वहाँ लेबर चौक पे अकेले। फिर इसने फिर मेरे से करा कि अपनी दुकान की तरफ चल, अपनी दुकान की तरफ। मैंने कि ठीक है। वहाँ दुकान की तरफ जाके इसने सभी लड़के बुला लिए, 15-16 लड़का आए थे, 2 टेम्पू भर के डंडे फंडे लेके, चक्कू तलवार लेके। और फिर इसने सही, मैंने वो लड़का, मैंने कि रिचार्ज डलवा के लिए मेरे फ़ोन में, जैसे मैंने पैसे निकाले 1.5 लाख रुपये जेब में थे, वो डीलर को देने थे, पापा देख गए थे सुबह सुबह। तो उसने सही बुला के लड़के और मारपीट करके मेरे सर में डंडे डंडे बजाए, फिर हाथ लगा लिया तो फिर हाथ तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस को शिकायत दे दी गई है और पीड़ित परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। देखना अब यही होगा कि पुलिस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाएगी।